Hello, 8th standard. Let us start with civics. I hope you people have done with your history question answers. Right? Okay. Let us start with our civics now. In our civics, we finished two lessons, right? We finished two lessons before our May vacation, June vacation, right? From 15 to 30, it was leave. So before 15th June, we had finished our two lessons of civics. So today, we'll start with third lesson of civics. Very interesting topic it is, that is parliament. Why do we need parliament? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? ओके, पहले तो व्हाट इज पार्लियामेंट? ओके, एक सिंपल सा लॉजिक हम देखें. से लाइक सपोज इफ एट योर होम सम फंक्शन इज गोइंग टू बी और देयर इज मैरिज ऑफ समवन एट योर होम. अगर आपके घर में किसी की शादी है या कोई फंक्शन है जिसके लिए लाइक घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो व्हाट यू पीपल विल बिगिन विद, यू पीपल विल बिगिन विद प्लानिंग फर्स्ट. ओके, और प्लानिंग करने के लिए ऑल द फैमिली मेंबर्स विल सिट इन वी कैन हैव इन ड्राइंग रूम और इन वन प्लेस वेयर एवरीवन सिट टुगेदर, राइट? देन दे ऑल विल डिस्कस ऑल द इवेंट्स ऑफ दैट फंक्शन. एक मैरिज है तो मैरिज गो ऑन फॉर 5-6 डेज, तो वो 5-6 डेज के हर फंक्शन के बारे में डिस्कशन होगा फैमिली में, राइट? हर डिस्कशन के बाद लाइक फिर यू नो एक्सपेंस का भी डिस्कशन होगा कि इस इवेंट पे इतना खर्चा आएगा, इस इवेंट पे इतना खर्चा आएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, राइट? उसके बाद नाउ इवेंट टाइमिंग एंड ऑल ऑल्सो टू बी डिसाइडेड, इतने बजे टाइम होगा और मैनी फैमिलीज गो विद सम यू नो रिलीजियस टाइमिंग, जिसको हम बोल सकते हैं मुहूर्त के हिसाब से जाना. सो मैनी फैमिलीज गो अकॉर्डिंग टू दैट के इतने बजे से इतने बजे तक ये इवेंट फिनिश होगा एंड दिस एंड दैट. यस, सो उसके लिए भी डिस्कशन होगा, राइट? सभी फैमिली मेम्बर्स अपना अपना ओपिनियन देंगे हर एक इवेंट के लिए. ड्रेस कोड्स भी डिसाइड होंगे, उसके लिए भी सभी फैमिली मेंबर्स अपना अपना ओपिनियन देंगे, राइट? तो पूरा जब प्लानिंग हो जाएगा, इट टेक्स यू नो 3-4 डेज मीटिंग होती रहती है फैमिली मेंबर्स की कंटिन्यू, एक ही इवेंट एक ही फंक्शन को लेकर, राइट? फॉर वन फंक्शन सो मैनी मीटिंग्स आर टेकन बाई फैमिली टू डिसाइड और एवरीथिंग सिस्टमेटिकली, राइट? देन फाइनली वेन ऑल द डिस्कशंस एंड ऑल गेट्स ओवर, देन ऑल फैमिली मेंबर्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट? अब 5 डेज का प्रोग्राम है, लेकिन वो 5 डेज का जो फंक्शन है, इफ इट इज आफ्टर 1 मंथ, तो फैमिली मेंबर्स विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. लाइक आज से शुरू हो जाएंगे काम करना, क्योंकि प्लानिंग हो गया है. अब हमें ये काम करना है, ये काम करना है, पहले ये काम करेंगे बाद में वो काम करेंगे. सो प्लानिंग एंड ऑल ऑल्सो गोज ऑन, राइट? प्लानिंग के हिसाब से फिर शॉपिंग करने जाना, इफ वी हैव टू गो ऑन विद शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स, देन स्टिचिंग की टेंशन, तो टाइम पे स्टिच भी हो जाने चाहिए. तो सारी जो वर्क शेड्यूल है वो बिजी हो जाता है, राइट? आज यहाँ पे शॉपिंग करनी, आज ये खरीदी करनी है, आज वो परचेज करना है, आज घर का कुछ रिनोवेशन करना पड़ेगा, कलर करवाना पड़ेगा, फिर साफ सफाई एंड ऑल. सो मैनी थिंग्स कम इन दैट डिस्कशन ऑफ फैमिली मीटिंग, राइट? देन फाइनली 1 मंथ के बिजी वर्क शेड्यूल के बाद वो इवेंट आता है, तो भी सारे फैमिली मेंबर्स गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो तो उसके लिए बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी करते हैं, राइट? वेरी नाइसली दे पीपल ट्रीट टू अदर गेस्ट ऑफ देयर फंक्शंस एंड ऑल, राइट? एंड फाइनली व्हेन फंक्शन कंप्लीट्स नाइसली एंड पीपल प्रेज दैट फंक्शन, देन फैमिली बिकम वेरी हैप्पी.
यस और नो, फैमिली बहुत खुश होती है कि पिछले एक महीने से हम लगे हैं मेहनत करने के लिए, तो अभी हमारा फंक्शन अच्छे से हो गया, तो वी आर वेरी हैप्पी। यस और नो? नाउ अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ये जो फंक्शन हुआ वो फंक्शन का बिगिनिंग कहाँ से हुआ? मीटिंग से। कौन सी मीटिंग? फैमिली मेंबर्स सिटिंग टुगेदर एंड टेकिंग डिसीजंस, डिस्कसिंग, गिविंग ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट इवेंट्स। यस और नो? तो वो डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो डिस्कशन के बिना फैमिली मेंबर्स काम करना शुरू कर देते तो फैमिली मेंबर्स को एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या काम करना है या उसे क्या काम करना है। यस, सो एक दूसरे के बीच में क्लैश होता कि मैं तो ये काम कर रहा हूँ, तू वो कर ले, तू वो कर ले, एंड दिस एंड दैट। ओके, प्लानिंग की, मीटिंग्स हुई फैमिली मेंबर्स की, प्लान हुआ सब कुछ, एंड देन वर्क डिवाइड किया गया। ओके, दिस वर्क विल बी डन बाय दिस, दिस वर्क विल बी डन बाय यू एंड मी एंड दिस एंड दैट, एंड फाइनली वर्क शुरू किया गया। सो किसी ने भी किसी के काम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की। यस और नो? एंड एवरीथिंग गोस सो स्मूथली दैट 5 इयर्स फंक्शन वर प्रेज्ड बाय एवरीवन। ओके, वही चीज है पार्लियामेंट। द सेम थिंग इज पार्लियामेंट ऑल्सो। सी, गवर्नमेंट कैन नॉट गो ऑन वर्किंग ब्लाइंडली। गवर्नमेंट आंखें बंद करके काम शुरू नहीं कर सकते। अंटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स सब बैठेंगे, वो सब डिस्कशन करेंगे, सारे डिस्कशंस पे अपने अपने ओपिनियंस देंगे, और जो डिस्कशन बेस्ट होगा, जो ओपिनियन बेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू होगा। अंडरस्टूड? सो पार्लियामेंट इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठते हैं, सब मीटिंग्स होती है, वो मीटिंग्स में अगर किसी मिनिस्टर के एरिया में कोई प्रॉब्लम है, ही डिस्कस दैट प्रॉब्लम इन पार्लियामेंट, एंड अदर मिनिस्टर यूज टू गिव हिम सजेशंस, यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस, यू कैनॉट डू लाइक दिस, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारी डिस्कशंस पार्लियामेंट में होती है। सो पार्लियामेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। Understood? I hope you people got very clear idea about parliament. Let us read it on page number 37. Why should people decide? लोगों को क्यों सोचना और decision लेना क्यों जरूरी है? India, as we know, became independent on 15th August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of the society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions they took. But they faced great danger if they tried to criticize these decisions. See, what was going on? Like India, 15th August 1947 ko azad hua, right? You know, logon ka lifestyle become completely changed after 15th August 1947. Why? Because from that day onwards, suddenly Britishers were out and Indian government started ruling. Okay, or Indian government was also not stable completely. Okay, and you know, life mein changes lana bahut difficult hota hai. It is very difficult to make some changes in life. Okay, for example, take example of this lockdown only. Earlier lifestyle was completely different, I must say, than this 2020. राइट, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। नो वन नोज व्हेन पीपल विल लीव नॉर्मल लाइफ। किसी को नहीं पता कि लोग नॉर्मल लाइफ कब जिएंगे, राइट?
कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी अनलॉक हो जाता है, अगेन लॉकडाउन हो जाता है. सो लाइफ इज चेंजिंग. ओके, सो द सेम थिंग हियर इट इज रिटर्न कि जब इंडिपेंडेंस हुआ उस वक्त भी लोग काफ़ी यू नो काफ़ी कुछ सोचना पड़ा उस वक्त गवर्नमेंट को, क्योंकि लोग कॉलोनियल रूल, दैट इज ब्रिटिश रूल जो था, इट वॉज कॉलोनियल रूल. तो कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिशर्स के रूल में, लोग इंडियन कॉमन पब्लिक वॉज लिविंग विद फियर. लोग डरे हुए रहते थे ब्रिटिशर्स के रूल में. ओके, सो अभी भी इंडियंस के माइंड सेट, वी कैन टेल दे वर नॉट एबल टू थिंक फ्रीली. इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस दे गॉट, दे वर नॉट एबल टू थिंक फ्रीली. उनको वो जो डर वाला लाइफस्टाइल था वो चेंज करने में टाइम लग रहा था. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. द नेशनलिस्ट बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. एज फार बैक एज 1885, द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन व्हाइल दीज आर द लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट. दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट टू वोट, नॉट कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. सी, यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एक्ट की 1909 की और 1885 की. यू नो ब्रिटिशर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट किया था. इंडियन कांग्रेस कमेटी वॉज अपॉइंटेड बट दे वर नॉट गिवन पावर ऑफ गिविंग सजेशन इन डिसीजन मेकिंग. ब्रिटिशर्स जो भी डिसीजन लेते थे उसमें इंडियंस सजेशन भी नहीं दे सकते थे. ओके, सो दैट वॉज टेकन एज वेरी रॉन्ग थिंग. ओके, ये जो चीज़ थी ये गलत चीज़ थी कि मेंबर्स, दैट इज दो इंडियंस वर ऑल्सो अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट बॉडीज बट नो वन वॉज अलाउड टू गिव देयर सजेशन और डिसीजन. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It means that the government had to be sensitive to people's needs and demands. See, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट कैन स्टार्ट वर्किंग ब्लाइंडली. ओके, नो, गवर्नमेंट को इतना ध्यान से काम करना था, इतना केयरफुली काम करना पड़ेगा कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. लोग ये ना सोचे कि हम तो ब्रिटिशर्स के रूल में अच्छे थे रादर दैन इंडियन रूल. ओके, सो गवर्नमेंट वॉज टेकिंग एवरी स्टेप वेरी केयरफुली. ओके, देन द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट India that laid down the principle of universal adult franchise, that is all adult citizens of the country have a right to vote. तो government तो वैसे भी independent हुआ 1947 को, but constitution बनना शुरू हो चुका था, उसमें rules and regulations लिखने शुरू हो गए थे. तो उसमें एक रूल जो लिखा गया दैट वॉज वेरी परफेक्ट रूल मेड बाय गवर्नमेंट सो दैट लोगों को एक यू नो डेमोक्रेटिक वे मिले, लोग अपना
thing. So government gave it one rule, that is universal adult franchise. That is Indian citizen जो 18 years या उससे बड़ी उम्र का है उस वो वोट करने के हक में है. दे कैन वोट बट द थिंग इज इफ दे हैव इलेक्शन कार्ड. ओके पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज अ आइडिया ऑफ कंसेंट. दैट इज द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. It is the decision of people that create a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. See, मेन मोटिव क्या था ये राइट टू वोट का राइट देने का. सो दैट लोगों को ये ना लगे कि कुछ मिनिस्टर्स इम्पोर्टेंट है, पब्लिक इम्पोर्टेंट नहीं है. पब्लिक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक कैन अपॉइंट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रूल. ओके सो लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का रूल इंट्रोड्यूस किया गया. ओके देन हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट. The parliament, which is made up of representatives together, controls and guides the government. In this sense, people, through their choice representatives, form the government and also control it. See, public अपना representative चुन सकती है और अपने representative को वोट देकर जिता भी सकते हैं. तो अगर किसी भी लीडर को पब्लिक विन करता है तो लीडर की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे शुड बी गुड फॉर पब्लिक सेटिस्फेक्शन. लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, वो सारा लुकआउट फिर गवर्नमेंट लीडर का रहता है. ओके एंड पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी मिनिस्टर्स लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं एंड दे डिस्कस ऑन सर्टेन इश्यूज एंड देम कम टू वन सॉल्यूशन. ओके द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन अवर इन योर क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक. यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. Let us recall these ideas by following exercise. Now I want you people to do this exercise on your own. Okay, just go through this table and just it is that only how representatives are elected and then how people vote them and those representatives becomes government leaders. Okay, that is the thing in that exercise. Now on page number 34, the role of the parliament. Parliament ka role kya hai? See, created after 1947, the Indian parliament is an expression of the faith that the people of India have the principles of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. लोगों को कोई भी problem है वो सब कुछ parliament में discuss किया जाता है. Who discuss that? Those elected people to whom public had only appointed. Understood? वही लोग पार्लियामेंट में मिलकर सारे डिसीजन लेते हैं. ओके और ऑब्वियसली दे पीपल टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ पब्लिक नॉट इन फेवर ऑफ देम.
क्योंकि उनको लोगों ने अपॉइंट किया है, तो लोगों के लिए काम करने को अपॉइंट किया है. ओके, सो लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, वो ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए ही काम करते हैं. देन इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर? वी कैन टेल यू नो पार्लियामेंट सिस्टम, दैट इज राज्यसभा लोकसभा, राइट. उसी तरह से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको MLAs कहा जाता है. हु आर MLAs? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. MLAs आर अप टिल पर्टिकुलर स्टेट. ओके, स्टेट में रहते हैं और उन वो MLAs जो है वो लेजिस्लेचर असेंबली अटेंड करते हैं. अंडरस्टूड? ओके, और जो लोकसभा एंड राज्यसभा में दोज कैन बी कंसीडर्ड एज MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अंडरस्टूड? ओके, द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस इन 5 years. 5 सालों में एक बार लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं. द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कंसिस्टेंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidate who consent election usually belong to different political parties. With the help of the following table given below, let us understand further. See, से like अब जो ruling party है, जो central government में rule करती है, that party is BJP, right? तो बीजेपी पार्टी को 5 years के बाद वोटिंग किया गया था और बीजेपी पार्टी दोबारा जीती और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह रूल कर रही है. ओके, बट लोगों नाउ, बट वी कम टू नो, वी नो अबाउट नरेंद्र मोदी, राइट. हु इज नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर है, राइट. सी, एक बात क्लियर करें तो नरेंद्र मोदी को जब वोटिंग हुई ना, नो वन वोट्स फॉर नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किया था, लोगों ने बीजेपी को वोट किया था. अंडरस्टूड? और जब बीजेपी, कांग्रेस या अलग अलग पार्टीज में वोटिंग हुई, उसमें बीजेपी को ज़्यादा वोट्स मिले, तो बीजेपी के सभी नेताओं ने अपने में से एक नेता को लीडर चूज किया एंड दैट लीडर बिकेम नरेंद्र मोदी. Understood? Okay, so that is the process of appointing parliament, appointing PM, I can say. Okay, उसी तरह से अलग अलग parties हैं और ये सारी अलग अलग parties के नेता जो है वो MPs, MLAs कहलाते हैं. Understood everyone? Okay, now remaining part of the lesson we will continue. Okay, we have one paragraph related to same topic, then we will stop for this video. Once elected, these candidates become MPs, member of parliament. These MPs together make up the parliament. Once elections to the parliament has taken place, the parliament need to perform the following functions. So, जब elections होते हैं तो parliament को कौन से functions follow करने होते हैं? That we will study, but in next video, not in this. Till here, just read the lesson till up till where we completed, up till page number 36, and even go through with tables also on page number 35, 36, and 33. Okay? Take care, and we'll continue later. Thank you.